उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल मई के महीने में आपने खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन अब लोगों का कोई अता पता नहीं है। योगी ने कहा कि लोगों से 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड भरवाए गए थे, हर महीने 8500 रुपए भेजने का वादा किया गया था, लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता पता नहीं है। एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1036 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक गरीब परिवारों की एक महिला के खाते में तब तक 1 लाख रुपए डाले जाएंगे जब तक वह परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा खटाखट आता रहेगा और एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिना किसी सिफारिश और लेन देन के उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना संभव है। उन्होंने कहा कि गत 7.5 वर्ष से हमारी सरकार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन सरकार में अगर किसी ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो वे ऐसी सजा देंगे जो देश और दुनिया के सामने नजीर बनेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं।